हेलो एवरीवन, एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस लेक्चर में कवर अप कराऊंगा और उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरा एप्टीट्यूड का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज सिलेबस का वीडियो देख लेना, उससे पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। तो उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हम अपने थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस का, उनको मैं इस लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। देखो भाई क्या है, देखो हमारे पास कुछ सीरीज गिवन है, वन अपॉन, और ये सारे के सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरे को बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, जो भी मैं कुछ कराऊंगा सभी गेट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वन अपॉन रूट वन प्लस रूट टू, वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री एंड सो ऑन अप टू वन अपॉन रूट एटी प्लस रूट एटी वन, इनका हमारे को सम करना है सीरीज का। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है भाई। अगर आप सीधा से सम करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो हम इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो ये फैक्टराइज करने से देखना अभी क्या होगा, देखो। और हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रूट टू प्लस रूट वन मल्टीप्लाइड बाय रूट टू माइनस रूट वन डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस रूट वन। फैक्टराइज करेंगे ना तो देखना कितना आराम से और कितना इजीली आंसर निकल आएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस वन का चल रहा है, तभी फैक्टराइज करने से बहुत फायदा हो जाएगा। तो देखो भाई आगे हम क्या लिखेंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू, डॉट 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 ऐसे चलते चले जाना। लास्ट में हम क्या लिखेंगे जी, रूट एट्टी प्लस रूट एट्टी वन मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 81 माइनस 80, ठीक है। देखो भाई आराम से अब क्या बनेगा, ये देखो भाई ये बन के आएगा जी रूट टू माइनस रूट वन, क्योंकि ये क्या बनेगा जी टू का स्क्वायर। ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपको पता होगा फैक्टराइज करने का तरीका। तो ये वन बन के आएगा तो हम वन को हम हटा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे जी, रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री डॉट 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 चलते चलते 81 माइनस रूट 80, ठीक है। आप आई थिंक समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और देखो भाई अब यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट होता चला जाएगा, देखो रूट टू, अच्छा सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना। हाँ जी, ये रूट टू कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल, रूट फोर कैंसिल, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस रूट माइनस रूट एट्टी था, इधर प्लस रूट एट्टी आया होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा जी, अंडर द रूट 81 माइनस रूट वन। आप प्लीज चेक कर सकते हो, अंडर रूट 81 इज व्हाट, 9, 9 माइनस अंडर रूट वन इज वन ओनली, तो 8 इज द आंसर। प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट यू हैव टू अप्लाई स्मॉल ट्रिक, वो ट्रिक मैंने आपको दिखा दी। तो आपको रूल याद रखना है भाई, कभी भी रूट एन प्लस रूट एन प्लस वन इस टाइप से चल रहा है ना, देखो रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट थ्री प्लस रूट फोर एंड सो ऑन, तो उस केस में हम फैक्टराइज करके बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखो भाई, आगे कह रहा है वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फिफ्टीन प्लस वन अपॉन थर्टी फाइव वन अपॉन 399। तो इस सीरीज का हम सम कैसे करेंगे, अप टू थ्री वन अपॉन 399 तक का सम करना है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमारे को कुछ एक पैटर्न यहाँ पे नजर आएगा। देखो अभी मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ, देखो तीन के बाद 15 आ रहा है, चलो आप बोलोगे कि ठीक है मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर 15 से 35 पे कैसे जाओगे, आप नहीं जा पाओगे, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ देखो मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन तो करने का कुछ हो रहा है लेकिन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन देखो फाइव इंटू सेवन, समझ पा रहे हो, प्लस क्योंकि 7 5 35, चलते चलते वन अपॉन 19 इंटू 21। अब चेक करो भाई 19 इंटू 21 करोगे तो 399 आएगा। ये सब पता है कैसे पता लगता है, ये सिर्फ आपको नंबर्स की बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए, नंबर्स के साथ आपको प्ले करना आना चाहिए, तब आप बहुत जल्दी ये सब चीजें सोच पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसोगे। और बेस्ट प्लॉट तो मैं आपको दे रहा हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका माइंड वाइड ओपन अप कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड को पढ़ने का लॉजिक ही क्या है, सिर्फ यही है कि माइंड वाइड ओपन अप हो सके, कहीं पे कहीं से भी कोई भी ट्रिक लग सकती है। तो कोई इस बात की कोई नहीं होता कि यही ट्रिक काम आएगी या वो ट्रिक काम आएगी, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते रहता हूँ, ताकि आपका माइंड वाइड ओपन अप हो जाए। और कोई ना कोई ट्रिक्स, टूल्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिर्फ आपके माइंड में फिट कर रहा हूँ, तो वही टूल्स एंड ट्रिक्स कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में लग जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ, ठीक है जी। आप इतना कर गए हो, हाँ अब देखो अब आएगा मेन स्टेप, यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर अब आगे क्या करें, है ना, फिर हमारे को परेशानी महसूस हो रही है। देखो भाई हम क्या करेंगे ना, देखो वन अपॉन थ्री है ना ये, तो अगर मैं लिखूं वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री तो ये क्या बनेगा जी, टू बाई थ्री, लेकिन मेरे को चाहिए था वन बाई थ्री, समझ पा रहे हो। देखो ये वन और ये थ्री ऐसे ऐसे करके मैंने बस अलग अलग कर दिया इनको और माइनस साइन लगा दिया, ठीक है जी। तो आता है टू बाई थ्री, लेकिन मेरे को चाहिए था वन बाई थ्री, तो इसलिए मैंने वन बाई टू निकाल दिया कॉमन। सिमिलरली जब मैं यहाँ बोलूंगा वन वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री इंटू फाइव है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फाइव, तो ये क्या बनेगा जी, टू अपॉन फिफ्टीन बनेगा, लेकिन मेरे को वन अपॉन फिफ्टीन चाहिए था, जैसे मैंने ऑलरेडी 1/2 कॉमन निकाल रखा है, आप समझ पा रहे हो। ऐसे ही 1/5 माइनस 1/7
डॉट 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 1/19 -1/21। यहां तक पहुंच गए सभी लोग? ठीक है जी। तो अब देखो भाई क्या क्या कैंसल आउट होता चला जाएगा, आराम से देखो। इस पे मैं एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो 1/19 -1/21, हाँ। तो देखो भाई ये 1/3 कैंसिल, 1/5 कैंसिल, चलते चलते पहली पहली टर्म सारी कैंसल आउट होती चली जा रही है। तो 1/ ये देखो भाई ये फाइनली ये 1/21 बच जाएगा हमारे पास लास्ट में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे जी, 1/2 1 -1/21, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये कितना बनेगा जी, 20/21 बनेगा, 1/2 × 20/21। तो आंसर कितना आएगा जी, 10/21। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टैंडर्ड वे है भाई, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड वे है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ये मैं छोटा कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो, आराम से एक स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस सीरीज को पहचानना कैसे है, देखो भाई इस टाइप से पहचानना है, 3, 15, 35 ऐसे कुछ बन रहा है। तो इतना पहली बात तो आपको क्लिक होनी चाहिए थी कि मल्टीप्लीकेशन तो कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड से आगे आगे बढ़ रहे हैं। खाली एडिशन से बात नहीं बनेगी, एडिशन करने से हम थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ते हैं, जैसे 15 से 20 तक जाएंगे, फिर इस तरह से जाएंगे। देखो 3 से 15 आया डिफरेंस, देखो ना आपको अपने से समझ में आएगा, 3 से आए जी 15, 12 का डिफरेंस आया, उसके बाद सीधा 20 का डिफरेंस आ रहा है, एंड ऑन। तो डिफरेंस ना बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। ये पता, ये निशानी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। फिर अगर आपके नंबर्स पे कंट्रोल बहुत अच्छा है तो आप वहीं से पकड़ जाओगे, अच्छा जी 15 × 3 × 5 = 35, 5 × 7 एंड सो ऑन। तो दो दो का डिफरेंस है, देखो भाई मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रूल मैंने आपको सिखा दिया कैसे काम करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्टकट्स हैं भाई, सारे शॉर्टकट दिखा रहा हूँ उस वीडियो में, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ अब, ठीक है जी। और गेट एग्जाम में ऑप्शन थे 20/21, 10/21, 20/21 भी ऑप्शन में था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिल मिस्टेक करते हैं, 1/2 जो आपने बाहर निकाला था वो भूल जाएंगे और 20/21 पे टिक लगा के आ जाएंगे, बट आंसर 10/21 है, 20/21 नहीं है। प्लीज ध्यान रखना है आपको गेट एग्जाम में, समझ रहे हो ना भाई। 1/2 कई बार स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं, तो 20/21 पहले ऑप्शन था, काफी सारे स्टूडेंट 20/21 पे टिक लगा देते हैं, 1/2 जो बाहर निकालता है वो भूल जाते हैं, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई अब क्या कह रहे हैं, 3 फ्रेंड्स हैं जी RST एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, 3 फ्रेंड्स हैं हमारे पास RST, शेयर्ड अ टॉफी फ्रॉम अ बाउल, ओके। R took 1/3 ऑफ द टॉफीज बट रिटर्न 4 टू द बाउल, S took 1/4 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट बट रिटर्न 3 टॉफीज टू द बाउल, T took हाफ ऑफ द रिमाइंडर बट रिटर्न्स 2 बैक इनटू द बाउल, इफ द बाउल हैज 17 टॉफीज लेफ्ट हाउ मेनी टॉफीज वर ओरिजिनली देयर इन द बाउल, दैट इज द क्वेश्चन। तो बहुत लंबा और बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे और आपको हंसी आएगी जब मैं इसका आंसर दूंगा। तो देखो हमेशा मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, प्लीज कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे नजर जरूर रखा करो, ऐसे ब्लाइंडली क्वेश्चंस को सॉल्व मत किया करो कि 10 सेकंड का आंसर है, सिर्फ 10 सेकंड का। कैसे, क्या बोला गया था, 1/3 ऑफ द टॉफीज, आर ने 1/3 ऑफ द टॉफीज ली है, तो अगर 38 पकड़ते हो, 1/3 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में टॉफी थोड़ी लेगा, तो ये ऑप्शन गया। 31 भी 1/3 से नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, 48 आ सकता है, 41 भी गया, तो ओनली ऑप्शन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, करने के भी जुटने सीधा 10 सेकंड में आंसर आया। ये शॉर्टकट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन गेट के हैं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 1/3 तो टॉफिस का था ना भाई, कॉमन सेंस थोड़ी सी तो लगाओ गेट एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे आंखें गड़ा के रखी करो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पर ब्लाइंडली उसको सॉल्व करने बैठ गए, ऑप्शन से देखो ना एक बार, सीधा आंसर निकल के आता है 48, लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, 10 सेकंड का आंसर था ये सीधा। हाँ अगर बाय चांस कोई और 3 का मल्टीपल होता तो मैं शायद फंस जाता, तो मेरे को फिर करके देखना पड़ता, बट अब और वही बात है, फिर करने के लिए भी क्या करना, देखो 48 हमारे पास आ रहा है ना, जैसे कोई और ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल ही होता तो पूरी इक्वेशन नहीं बनानी, लेट द टॉफीज आर एक्स एक्स बाय 3। देखो करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, टाइम पास नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, क्या करना है भाई, लेट द टोटल टॉफीज आर एक्स, लेट टोटल टॉफीज आर एक्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टॉफीज आर एक्स, ठीक है, एक्स टॉफीज आपने ले ली है, आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफीज, 1/3 ले ली है इसने, बट रिटर्न 4 टू द बाउल्स, तो रिमेनिंग कितनी बची है जी, 1/3 उसने ले ली तो 2/3 बची ना, और साथ में 4 टॉफीज टू द बाउल उसने और डाल दी है, तो 2/3 ऑफ एक्स बचा था, और 2/3 ऑफ, देखो 1/3 उसने ले लिया तो 2/3 ऑफ एक्स बच गया, अब उसने 4 टॉफीज वापस डाल भी तो दी थी तो +4 हो गया ना, तो रिमेनिंग ये है जी। उसके बाद आगे क्या कहा गया, एक्स टुक 1/4 ऑफ व्हाट दैट वाज लेफ्ट बट रिटर्न 3 टॉफीज टू द बाउल, तो इसका 1/4 ले लिया है जी, तो एस ने कितना ले लिया जी, 1/4 ऑफ 2/3 एक्स +4 इतना ले लिया है,
और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग बचा है ना, देखो इसमें से ये जो टोटल है इसमें से इसको घटाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस बात है घटाने की क्या जरूरत है, 3/4 कर दो ना, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक जिसने कहा है ना, तो मैं ऐसे भी कह के भाग सकता था एस ने 1/4 ले लिया है, जो भी ये था इसका 1/4 ले लिया है, तो ऑब्वियस बात है 3/4 बचा होगा, 3/4 जो बचा होगा और कितनी टॉपिक उसने रिटर्न करी है एंड लेफ्ट 3 टॉपिक टू द बाउंड, ठीक है जी। तो एस के लेने के बाद हमारे पास कितनी बच गई है जी, 3/4 और प्लस 4 प्लस 3 है, सॉरी चेक कर लेना भाई आप लोग, हाँ 3 टॉपिक टू द बाउंड। ओके टी took हाफ ऑफ द रिमेनिंग बट रिटर्न 2 बैक इनटू द बाउंड, टी took हाफ ऑफ द रिमेनिंग, इसका हाफ ले लिया उसने, ठीक है जी। तो टी ने इसका हाफ ले लिया, तो हाफ ही बचा रह गया होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे जी, 1/2 ऑफ 3/4 2/3x प्लस 4 प्लस 3 और प्लस में कितना रिटर्न किया इसने, 2 बैक टू द बाउंड, दो वापस डाल दी हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या कहा गया, इफ द बॉल हैज 17 टॉफीज लेफ्ट, तो फाइनली ये जो बचा हुआ है ये 17 के बराबर है जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर अब आपसे क्या पूछ रहे थे, हाउ मेनी टॉफीज वर ओरिजिनल इन द बाउंड, ये हमारे को अब बताना है। तो देखो भाई बात तो वही आती है घूम फिर के, है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जा करके आंसर निकलेगा। अब सॉल्व करूं मैं या खुद अपने आप से करोगे, वैसे तो मैं होमवर्क में देके भाग सकता हूँ, सॉल्व कर सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ कहीं कोई मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फटाफट से हम चेक भी कर लेंगे और रीचेक सारा कुछ हो जाएगा साथ साथ, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखो 1/2 है बाहर कॉमन, तो यहाँ से क्या बनेगा जी, x/2 है ना, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल, और यहाँ से x/2 प्लस ये क्या बन के आएगा जी, 3 बन के आएगा, है ना, और प्लस 3 हमारे पास था ही, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17, है ना, और ये क्या बन के आएगा जी, x/4 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 हो गया ना, तो 1/2 करेंगे तो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17, सिंपल कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, x/4 इज इक्वल टू 12, सो x कम्स आउट टू बी 48, देखो भाई फर्स्ट क्लास 48 आंसर निकला है, जो हमारे को चाहिए था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गेट एग्जाम में कितना दिमाग चलाते हो, अगर आप ऑप्शंस पे नजर नहीं रखोगे, क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन आते हैं पता है किसके लिए, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, बच्चा थोड़ा सा टाइम लगाएगा, है ना, इसको सोचेगा समझेगा, तो मतलब 2 से 3 मिनट नॉर्मली स्टूडेंट लगा देगा इस पे, है ना, क्योंकि इक्वेशन बनाएगा, सॉल्व करेगा, कैलकुलेशन करेगा, फिर उसको बार बार रीचेक करेगा कि कहीं को सिली मिस्टेक ना हो एंड सो ऑन, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, आप ऑप्शंस को देख रहे थे, तो 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकता था, कहां 2 से 3 मिनट और कहां 10 सेकंड, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, छोटा कर देता हूं मैं, क्वेश्चन तो आपने पहले ही नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने सारा एक स्क्रीन पे कर दिया, आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जंप कर रहा हूं, करूं भाई। हाँ जी, देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x एंड y द फंक्शन fxy 3x प्लस 6y विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। आपको लगेगा कि सर तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, हम तो आगे करेंगे एंड सो ऑन, लेकिन वही बात है, अगर आप की वही बात बार बार समझाता हूँ, कीप एन आई ऑन ऑप्शन, और अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाओगे, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जो जितना कॉमन सेंस है चीजों को सोचता है, क्वेश्चन को देख के डरता नहीं है, घबराता नहीं है, बहुत आराम से आंसर निकालेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, और बहुत ध्यान रखना, डरना नहीं है भाई, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए दिमाग में कि तो पता नहीं मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं नहीं कर सकता आंसर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचोगे तो आंसर बहुत आराम से बहुत इजीली निकलेगा। देखो भाई इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर, पहले तो इस बात को पकड़ दो भाई, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब आओ जरा ऑप्शंस पे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना, और अगर आप यहाँ से करो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई विल गिव मैक्सिमम वैल्यू एट, ये दोनों इक्वेशंस भी फुलफिल होनी चाहिए ना भाई, है ना, ऑब्वियस बात है। अच्छा तो अब यहीं पे चेक करो, अब अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो क्या बन के आएगा जी, 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग बन के आएगा, और मैं आपको ऑलरेडी कह के आया हूँ कि ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ओके, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता के आया हूँ कि ये दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और अगर आपने वाई की वैल्यू 20/3 ले ली तो ऑब्वियस बात है एक्स नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑप्शन पे पहले ही काटा लगा देना, सिमिलरली डी ऑप्शन पे भी काटा लगा देना, क्योंकि 20/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 6 से बड़ी वैल्यू होगी, और 6 से बड़ी वैल्यू में ले नहीं सकता क्योंकि x एंड y ऑलरेडी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये देखो भाई ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, क्योंकि x फिर नेगेटिव आने की कोशिश करेगा, x को नेगेटिव में आने नहीं दूंगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बी और डी ऑप्शन तो पहले चले गए। अच्छा जी अब बचता है जी ए और सी ऑप्शन,
अब आप इनकी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो और देख लो कहां से क्या वैल्यू आती है। जैसे सपोज कर लो मैं सी ऑप्शन की चेकिंग करता हूँ, 8/3 और 10/3 हमने लेके आए हैं। तो एक बार पहले तो ये इक्वेशन में डाल के देख लो भाई, 8/3 और 10/3, 2 × 8/3 प्लस 10/3, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। पहले तो इसी की चेकिंग करो, वैसे आ जाएगा कम है ना। ये देखो 5 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा, 3 पॉइंट समथिंग यहाँ से आएगा, नहीं बात बनने वाली। देखो फिर बात नहीं बन रही, 8 × 16, 16/3, 3 × 5 = 15 होता है ना, 5 पॉइंट समथिंग यहाँ से आया और ये 3 पॉइंट समथिंग यहाँ से आया, ये ऑप्शन भी गया। लो जी सी ऑप्शन भी गया, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए। ए की जब मैं चेकिंग करूंगा, ये देख पा रहे हो ना भाई, 2x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन में भी वही प्रॉब्लम आ रही, हम नहीं फुलफिल करवा पा रहे इस इक्वेशन को। ए ऑप्शन की जब मैं चेकिंग कराऊंगा तो ये कितना बनेगा जी, 8/3, पूरा ढंग से लिखो, 4/3 है ना ये, तो 2 × 4/3 प्लस 10/3, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। हाँ जी ये फुलफिल हो रहा है, 8/3 और 10/3, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास फुलफिल हो रहा है ना। 8/3 कितना आएगा जी, 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग बात बन रही है, आप चेक करके देख सकते हो भैया ना। और ऑब्वियसली बात है, जब तीन ऑप्शन काम नहीं है तो फिर इतने टाइम पास करने की जरूरत ही क्या है, ए ऑप्शन है तो होना ही होना था, ठीक, बस बात बन गई वहीं से हमारी, ठीक है। तो कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर गए और ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप और ये इस सेकेंड वाली इक्वेशन में भी आप पुट करके देख सकते हो, 4/3 और 20/3 है ना, हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3x + 6y मैक्सिमम आएगा। आई थिंक प्लीज मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने चेकिंग करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, प्लीज नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शन, मैक्सिमम मिनिमा का कोई कंसेप्ट ही नहीं यूज किया, कहीं कुछ नहीं किया, मैंने एकदम बस वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला है, ठीक है जी, क्लियर हो गया अगर सब लोगों को। अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप कर रहा हूँ। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 12 + √, बार बार रूट 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 करते चले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो भाई मैं मान लेता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू, ठीक है जी, लेट वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 12 + √12 + √12 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है जी। अब देखो भाई, अब क्योंकि अप टू इन्फिनिट जा रहा है, तो एक बार अगर मैं स्क्वेयर रूट ऑफ 12 कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 12 + y, क्योंकि वाई ये पूरा कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली रूट 12 प्लस ये पूरा कंप्लीट वाई हम मान सकते हैं ना, इन्फिनिटी में से एक चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई थिंक आप जानते हो इन्फिनिटी -1 इज ऑब्वियसली इन्फिनिटी ओनली। तो एक बारी तो आपने स्क्वेयर रूट ऑफ 12 कम किया था, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 12 प्लस वाई आ गया, पकड़ के हो गया, आई थिंक सिंपल बात है, यही यही की तरीका है, और एक बड़ा ब्यूटीफुल अभी शॉर्टकट दूंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप देखो भाई अभी हम क्या करेंगे, तो y² = 12 + y, तो y² - y - 12 = 0, तो आप समझ पा रहे हो 4 × 3 = 12, तो y + 4 y - 3 = 0, ठीक है जी। हाँ ठीक है एकदम, आप समझ, सॉरी y - 4 आएगा, सॉरी फॉर दैट, y - 4 y + 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, आप सॉल्व करना जानते हो, मेरे से बार बार मत बुलवाओ, मेरे को शॉर्टकट आता है, मैंने वो शॉर्टकट ही लगाया, वाई स्क्वायर है ना, इसके आगे कुछ कोफिशियंट नहीं है ना, 2, 3, 4 वन ही कोफिशियंट है ना, तो बहुत आराम से सॉल्व होता है। बस आप मिड टर्म को स्प्लिट किया करो, यहाँ पे -12 है ना, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा करके -12 आना चाहिए और सम करने पे -1 आना चाहिए, तो -4 और +3, बस जो बना ना वही ऐसी उठा करके लिख दो, हमारे पास वही आंसर होता है, ठीक है जी। तो यही हमारे पास आएगा, तो फाइनली वाई की वैल्यू हम 4 लेके चलेंगे, -3 तो ऑब्वियसली हम ले सकते हैं क्योंकि 4 आएगा या -3 आएगा, तो माइनस आएगा तो फिर वो इमेजिनरी वाली बात बन जाएगी, वो कोई फायदा नहीं है, है ना, आयोटा में चला जाएगा, वो सब तो हमारे को चाहिए नहीं, जब रियल नंबर्स हैं तो हम रियल नंबर में आंसर आएंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 12 12 है तो ऑब्वियसली एक रियल नंबर ही आएगा, तो माइनस हम नहीं ले पाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू 4 इज आवर आंसर, ठीक है। अब शॉर्टकट समझो भाई, आप देखो मैं आपको बड़ा ब्यूटीफुल शॉर्टकट दिखाता हूँ, यहाँ पे जिस स्टाइल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, मैं उसी स्टाइल से आपको क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई 3 × 4 = 12 होता है ना, तो आपको बड़े वाला नंबर पकड़ना, तो जब भी कोई एक नंबर है जैसे 12 है, तो 3 × 4 = 12 होता, तो कॉन्सिक्यूटिव दो इंटीजर्स का सम है ना, मतलब सॉरी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करा करके 12 आता है ना, तो बड़े वाला आंसर होता है, तो 4 इज आवर आंसर, दैट्स इट, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते तो समझ में आएगा, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, तो 72 9 × 8 72 होता है ना जी, तो 9 मेरा आंसर आएगा, मैं चेक करा सकता हूँ आपको यहाँ से। अब देखो भाई वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट 72 + y, यही बनेगा ना, घुमा फिरा करके वाई ले लेंगे, फिर वाई ले लेंगे ना इसको, रूट 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 को, इतना तो आप समझ पा रहे होगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 + y, तो y² - y - 72 = 0, तो देखो भाई -9 और +8, तो y - 9 y + 8 = 0, तो y की वैल्यू यहाँ से 9 निकली कि नहीं, बस निकल गई,
तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना होता है, बड़े वाला आंसर हो जाता है बस, दैट्स इट। तो कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करा करके ये 72 बनता है ना, तो बड़े वाला आंसर हो जाता है, दैट्स इट। प्लीज नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ। 42, तो 42 किसने किससे आता है जी, 7 6 42 होता है ना जी, तो बस 7 इज द आंसर। प्लीज अब मैं इसको क्वेश्चन को और ज्यादा नहीं करूंगा, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लेना अपने आप, होमवर्क है आपके लिए, 72 आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ भाई। हाँ जी, 132 132, 11 × 12 देखो भाई, 132 होता है तो 12 इज माई आंसर, बस एक झटके में, देख रहे कितना आसान है। हाँ अब देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, माइनस 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 आना शुरू हो गया, कोई बात नहीं। तो हम ये देखो वही बोलेंगे, y इज इक्वल टू 72 माइनस y, ठीक है जी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस y, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 72 इज इक्वल टू 0, तो 9 8 द 72 होता है, तो प्लस 9 आएगा और -8 आएगा, तो आप समझ पा रहे हो एक्स बाई एक्स सॉरी वाई है ना, वाई भर लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। हाँ जी, तो वाई, हाँ जी, तो फिर वाई की वैल्यू या तो 8 लेके आओगे या -9 लाओगे, -9 हम ले नहीं सकते, तो 8 इज आवर आंसर। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या निकल के आया भाई, जब भी माइनस 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 चल रहा होगा ना, तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है, ठीक है जी। तो चलो भाई इसको नोट डाउन करो, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर माइनस वाला केस चल रहा होगा तो स्मॉल वाला पकड़ना है, प्लस वाला चल रहा होगा तो बिग वाला पकड़ना है, बस। कंसेक्यूटिव पर ये बात ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर आना चाहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं। प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हो, शॉर्टकट बहुत सिंपल है, विद प्रूफ आपको अपने आप से इंट्यूशन से भी क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो भाई एक बार आप चेक कर लो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर आप समझते हो भाई है ना, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, वहां से आप पकड़ ही जाओगे, बट स्टिल मैंने लिख दिया, इफ 40 इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल देन अमंग ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स व्हिच विल हैव मैक्सिमम एरिया, एरिया मैक्सिमम कब आएगा। तो अगेन आपको लगेगा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, नहीं है भाई, मैं इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कराता हूं और आपको एक रूल बताता हूं, वो रूल आपके दिमाग में होगा तो आप बहुत जल्दी आंसर करोगे। रूल का प्रूफ मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक में हम लोग जरूर देखेंगे जब हम लोग अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो 40 इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल देन अमंग ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल व्हिच विल हैव मैक्सिमम एरिया। तो पैरामीटर क्या होता है, लेंथ 2 × l + b, दैट इज पैरामीटर है ना। तो ठीक है, मेरे को फॉर्मूले में नहीं जाना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दो नंबर्स को मैं ऐड करके 40 ला रहा हूँ, ठीक है। तो अमंग ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल व्हिच विल हैव मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम कब आएगा वो हम चाह रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ 2l + 2b दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है जी। तो जब मैं दो नंबर्स को ऐड करता हूं तब जा करके मेरे को 40 आंसर मिलता है। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या नंबर पकड़ूं कि उनको मल्टीप्लाई कराऊं और मैक्सिमम निकल के आए, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ एक्स प्लस वाई मेरे पास 40 है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मैक्सिमम कब आएगा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत सिंपल इलाज करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ना ये देखो आप वैल्यूज लेनी शुरू करो, है ना। देखो 40 था तो l प्लस b लो, है ना, थोड़ा सा काम हम आसान करते हैं, ज्यादा चीजों को टफ नहीं करते। मैं यहाँ पे सिंपली ये बोलूंगा 2 × l + b इज 40, तो l प्लस b इज व्हाट 20, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को ऐड करके 20 निकलता है आंसर। तो l इंटू बी मैक्सिमम कब आएगा, आप अपने आप से डाल के देखो भाई, 1 19 19 + 1 20 होता है। वैल्यूज लेके चलो ना, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके, जीरो लेके चलोगे तो लेंथ जीरो हो गई वो तो लाइन बन जाएगी भाई, या ब्रेथ जीरो होगी तो भी वो एक लाइन बन जाएगी। तो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही जीरो नहीं होंगी, कोई ना कोई नंबर तो जरूर रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे को चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम चाहिए। तो फिर क्या करें, देखो भाई 1 19 2 18 3 17 है ना, ऐसे चलते चले जाएंगे, 10 और 10 पे भी आएंगे हम लोग, समझ पा रहे हो, ऐसे फिर आगे 10 9 और 11 आ जाएगा, है ना, 9 और 11 ये ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे 9 और 11 लिख चुका हूँ कि नहीं लिख चुका हूँ, तो फिर यहाँ पे 11 और 9 आएगा, है ना, 11 और 9, तो वो ऑब्वियस बात है, 9 × 11 करो, 11 × 9 करो, एक ही बात है, तो यहीं तक ही हमारे को जाने की जरूरत है। पर आप समझ पा रहे हो भाई, देखो भाई सब जगह यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 आएगा, 100 से ऊपर कहीं नहीं आएगा, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर 10 10 होगी दैट इज द बेस्ट वे। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा था, विच विल हैव द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया विल बी ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड विल बी 10, समझ पा रहे हो। तो मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब हमारे पास एक स्क्वायर बनना चाहिए
क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो फिर स्क्वायर बनेगा और उसकी साइड क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये रूल आपको अब समझ में आ गया है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करके कुछ बना रहे हैं, जैसे दो नंबर्स को ऐड करके हम यहाँ पे 20 बना रहे हैं, तो फिर उन कैसे नंबर्स पकड़ू, एल और बी में कैसे पकड़ू, एल और बी दो नंबर्स थे उनको हम ऐड करके 20 बना रहे हैं, तो एल और बी में क्या पकड़ू कि एल इंटू बी मैक्सिमम आए, तो एल इंटू बी मैक्सिमम लाने के लिए आपको एल और बी दोनों सेम लेने पड़ेंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस 10 और 10 और 10 हम लेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इज आवर आंसर। तो अमंग ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल विच विल हैव मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया विल बी ऑफ ए स्क्वायर, मैक्सिमम एरिया विल बी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10, या बोल सकते थे रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 10। तो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने स्क्वायर बोल दिया, पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन करो, थोड़ा सा मैं और एप्लीकेशन दिखाता हूँ, कर लिया नोट डाउन, यही मैं दिखा देता हूँ। चलो एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, इसको नोट कर लिया ना। हाँ जी, तो एक स्लाइड और लो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो भाई, अगर मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक्स और वाई दो नंबर है, मैं इन दोनों को ऐड करके 10 लेके आ रहा हूँ, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मैक्सिमम कब आएगा, तो सिंपल बात अभी देखो, आप फिर से देख लो, अगर आपको वहां पीछे दिक्कत हुई है तो एक एक 1 प्लस 9 है ना, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6 है ना, 5 प्लस 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस 4 होगा, तो 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 पहले से बैठा है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, मल्टीप्लाई करा लो इनको, है ना, तो ये मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। तो 25 मैक्सिमम देखो कब आया, जब दोनों बराबर थे, तो ये रूल बन गया भाई। अगर आप एक्स और वाई दो नंबर्स को ऐड करके कोई भी सम लेके आ रहे हो, तो मैक्सिमम ये एक्स और वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स और वाई बराबर होंगे। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स एंड वाई आर इक्वल। ये रूल बहुत जगह यूज होगा भाई, इसलिए मैं आपको एप्टीट्यूड की स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। अभी तो हम थर्ड चैप्टर भी चल रहे हैं ना, आगे बहुत सारे चैप्टर्स करने, प्रॉफिट लॉस एंड सो, तो वहां पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है जी, तो एडिशन अगर दो नंबर्स का 10 है, तो मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम कितनी आ सकती है, अभी 25 आ सकती है। अब देखो इस पे एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ूंगा आगे। हाँ जी, देखो भाई, अब मैं आपको क्या कहूंगा, देखो अगर मैं आपको कहता हूं कि एक्स प्लस वाई इज 16, then x multiplied by can't be, देखो ए ऑप्शन में आपको देता हूं 65, बी ऑप्शन 69, सी ऑप्शन मैं देता हूं जिस 64 एंड डी ऑप्शन में देता हूं 60। हाँ जी, तो क्या देखो x और y दो नंबर्स हैं, मेरे को नहीं पता क्या है, रियल नंबर्स भी आप लेके चल सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, x और y दो रियल नंबर्स हैं और अच्छे से बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जीरो भी नहीं ले ये चलना आपको इनको। ठीक है, x एंड y टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इन दोनों को ऐड करके आंसर 16 ला रहा हूं, तो x मल्टीप्लाई बाय y कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, तभी मैंने आपको रूल बताया है x मल्टीप्लाइड बाय y कब मैक्सिमम आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर मतलब 8 और 8 16 होते, तो 8 into 8 that is 64, 64 will be our answer, समझ पा रहे हो ना, दोनों बराबर लेंगे, दोनों बराबर लोगे तो आप चेक कर सकते हो, x plus y 16 है और मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम कब आएगी, जब दोनों बराबर होंगे, तो 2x will be equal to 16, x will be equal to 8, इतना समझ में आ गया ना, x को 8 लेना पड़ेगा, तो 8 into 8 64, 64 will be our answer, 64 से ऊपर हम जा ही नहीं सकते, कितने मर्जी कोशिश कर लेना, तो 65 नहीं आ सकता, 69 नहीं आ सकता, MSQ में क्वेश्चन आ सकता था, 64 आ सकता है, 60 भी आ सकता है, वो आप देख लेना भाई कहाँ से क्या वैल्यूज लोगे, 60 हम ला पाएंगे, ये रियल नंबर्स है ना, जो मन करे आप वो पकड़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रादर 10 इंटू 6 60 होता है, तो 10 ले लेना है, 6 ले लेना है, तो 60 तो आ रहा है, पॉसिबल है, 64 भी आ रहा है, 8 इंटू 8 64 आ रहा है ना, बट 69 65 सारी उम्र आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम 64 है, ये एप्लीकेशन होगी इसको, इन टाइप के क्वेश्चंस की आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज सारे बना लो, इन पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, रूल पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, सिंपल क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, इफ 100 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इफ 100 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन अमंग ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल विच विल हैव मिनिमम पेरीमीटर, ये बताना है आपको पेरीमीटर मिनिमम किसका होगा, प्लीज ध्यान रखना मिनिमम। हाँ जी, तो अब मैं क्या, आप देखो एक सिंपल रूल और बनाएंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, जो भी दो दो साइड्स होंगी, आपने उनको मल्टीप्लाई करा करके आप 100 लेके आए हो, तभी हम कहेंगे ना रेक्टेंगल कह रहेगा, तो भाई एल इंटू बी, तो x into y हमने मान लिया, चलो l into b ले लो अगर आपको टेंशन है, तो लो जी l मल्टीप्लाइड बाय भी हमारे पास 100 है। हाँ जी, तो फिर क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं, तो 1 into 100 दैट इज 100, ठीक है जी, 2 into 50 दैट विल बी अगेन 100,
थ्री से तो जाएगा नहीं, है ना। थ्री से फिर वही बात है, रियल नंबर में कुछ भी आप ले सकते हो, बट वो हम इंटीजर्स ताकि अपने आपको कंसंट्रेट करते हैं कर सकते हो, टाइम की बर्बादी है भाई। ऐसे तो फिर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे तो सारी उम्र लगा रहूंगा मैं मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंटीजर्स पे ही अपने आपको कंसंट्रेट करता हूँ। है रियल नंबर ही, इसमें हमारे को टेंशन नहीं, आप ले सकते हो, बट टाइम की बर्बादी है, ठीक है जी। तो 4 × 25 दैट विल बी 100, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। हाँ जी, तो सम करके देखते जाओ भाई, यहाँ पे सम कितना आएगा, अभी 11 आएगा, यहाँ पे सम कितना आएगा जी, 52 आएगा जी, यहाँ पे सॉरी 1 × 100 100 होता है ना, तो ये 101 बनेगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो 1 × 100 इज 100, तो ये सम आएगा जी 101, 1 जमा 100 101, 2 जमा 50 52, यहाँ पे 29, चलते चलते एक बार जब हम यहाँ आएंगे ना, 10 × 10 वो भी 100 होता है, तो 10 + 10 जब आप देखोगे तो क्या बन के आएगा जी, 20। तो यही सबसे मिनिमम आएगा, इससे मिनिमम आप नहीं जा पाओगे। तो ये भी आपको रूल याद रखना है कि जब दो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कोई नंबर है तो मिनिमम उनका सम कितना आएगा भाई, तब आएगा जब दोनों नंबर सेम होंगे, ठीक है। तो एक रूल हमारे पास बन गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है जी। तो अब फाइनल आंसर तो मैं निकाल चुका हूँ इस क्वेश्चन का, 10 × 10 100, तो मिनिमम हमारे पास 20 आ रहा है, तो मिनिमम पैरामीटर कितना आएगा जी, मिनिमम पैरामीटर आएगा जी 2 × L + B, और लेंथ ऑफ ब्रेड दोनों ही बराबर है, 10 जमा 10, तो इट कम्स आउट टू बी 40, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया मैंने एकदम क्वेश्चन, पहले 40 पैरामीटर था, तो मैंने एरिया आपसे पूछा था मैक्सिमम, तो अब एरिया मैक्सिमम है तो मिनिमम पैरामीटर मैंने आपसे पूछ लिया, तो समझ पा रहे होगे बिल्कुल उल्टे क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है जी। तो रीचेक भी होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीचेक भी होगा, इसलिए मैंने ये डिजिट्स थोड़ी ध्यान से उससे चाहिए ली थी, ठीक है जी, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, तो क्लियर हो गया सब लोगों को, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको रूल समझा रहा हूँ। तो अच्छा चलो एक स्लाइड और ले लेते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे अब आपको रूल समझा रहा हूँ, अगर x मल्टीप्लाइड बाय y हमारे पास से 100 है, तो फिर x प्लस y मिनिमम क्या आएगा जी, मिनिमम तब आएगा जब x इज इक्वल टू y होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x विल बी इक्वल टू 10, प्लस माइनस 10 बनेगा, तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव तो जान ही रहे, पॉजिटिव चल रहे, तो x विल बी इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो जब x और y दोनों बराबर लेके चलने होंगे तब हमारे पास मिनिमम आएगा उनका सम, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा करके हमारे पास 100 आ रहा है, तो वो दो नंबर्स का सम मिनिमम कब आएगा, जब वो दोनों नंबर सेम होंगे। मैंने सेम ले लिया तो एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों सेम ले लिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है जी, 10 आई है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20, 20 इज द मिनिमम सम पॉसिबल, इससे मिनिमम आप सम नहीं ला पाओगे, प्लीज ये बात ध्यान रखनी आपको, क्लियर हो गया, ठीक है जी। और ऐसे ही जब हम क्या कह रहे थे, एक रूल मैंने आपको और सिखाया था, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, यहाँ दिखाता हूँ, x प्लस y अगर हमारे पास 20 है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम मिनिमम कर रहे थे, तो x मल्टीप्लाइड बाय y मैक्सिमम कब आएगा, जब हम क्या कहेंगे, x और y दोनों सेम होंगे, और जब आप दोनों सेम ले लोगे तो x प्लस x विल बी इक्वल टू 20, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। तो 2x विल बी इक्वल टू 20, तो x will be equal to 10, x को 10 ले लेना, तो x और y को मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 × 10, क्योंकि x और y दोनों सेम थे और हम 10 निकाल चुके हैं, 100, तो ये आई है जी मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समरी में क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं जब कर रहा हूँ कर लिया नोट डाउन। बस ये एक एप्लीकेशन मैंने दे दिया, m into n का स्क्वायर रूट 10 है, then m plus n cannot be, वही बात थोड़ा सा मैंने घुमा दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं। हाँ जी, तो m multiplied by n that will be equal to 100, तो m plus n मैं अभी आपको दिखा के आया हूँ, 20 आएगा जी मिनिमम, 20 से नीचे हम लोग नहीं जा सकते, 25 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 19 नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। मुफ्त के नंबर है भाई, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन याद रखनी है। तो दो रूल मैंने बड़े ब्यूटीफुल आपको सिखाया है, मैं बार बार उनको रिपीट करूंगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, वीडियो भी लंबा होगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो मैंने क्या रूल्स पढ़ाया अभी आपको, ठीक है जी। एक सम रूल और एक मल्टीप्लिकेशन रूल। सम रूल, तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, है ना, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास से 20 आ रहा है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी ला सकते हैं, वो तब ला पाएंगे जब एम और एन बराबर होंगे। सिमिलरली अगर एम इंटू एन हमारे पास 100 है, तो इन दोनों का सम करके हम मिनिमम वैल्यू क्या ला सकते हैं, तब लाएंगे जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, वो भी 10 ही निकल के आएगा। तो m और n दोनों 10 होना चाहिए थे, तो मिनिमम सम हमारे पास 20 आएगा। सिमिलरली m प्लस n हमारे पास 20 है, तो मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन क्या आ सकती है, वो तब आएगी जब m और n बराबर होंगे और वो दोनों 10 10 होंगे, और फिर वो 10 × 10 100 आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन। यहीं पे बराबर रख देना ना बस, है ना, तो m और n बराबर रख देगा तो m की वैल्यू 10 आ जाएगी, बस वही चीज मैं कह रहा था, तो 10 × 10 100 आ जाएगा,
आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलेंगे उतने टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, दैट्स इट। तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे एप्टीट्यूड का, मतलब नया चैप्टर पे हम लोग जंप कर जाएंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।